हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल द केयर रिलीवर। स्टूडेंट्स, आज हम आपको एटॉमिक नंबर 1 से लेकर एटॉमिक नंबर 20 तक के एलिमेंट्स का ट्रिक के साथ नाम आप कैसे याद रखें, सिंबल कैसे आप याद रख सकते हैं, उसको बताने जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग आते हैं, देखते हैं एलिमेंट। पहला एलिमेंट आपको यहाँ हाइड्रोजन है, इसका सिंबल होता है H, एटॉमिक नंबर 1। इसके लिए ट्रिक आप याद रखें, ह से हाइड्रोजन। दूसरा एलिमेंट यहाँ आपको लिखे हीलियम, इसका सिंबल HE, एटॉमिक नंबर 2। और इसके लिए आपको ट्रिक ही से हीलियम। नेक्स्ट आपका एलिमेंट है लिथियम, सिंबल LI, एटॉमिक नंबर 3। इसको याद रखें ली से लिथियम। नेक्स्ट देखते हैं बेरिलियम, तो बेरिलियम जो है इसका सिंबल होता है BE, एटॉमिक नंबर 4। इसके लिए याद रखेंगे वे से बेरिलियम। उसके बाद बोरोन का सिंबल होता है B, एटॉमिक नंबर 5। इसके लिए याद रखेंगे ब। इसके बाद आपका है एलिमेंट कार्बन, तो कार्बन का सिंबल होता है सी, इसके लिए आप याद रखेंगे कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे नाइट्रोजन, जिसका सिंबल होता है N, एटॉमिक नंबर 7। इसके लिए याद रखेंगे ट्रिक ना, इस तरह से न से नाइट्रोजन। इसके बाद एलिमेंट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का सिंबल O, एटॉमिक नंबर 8। इसके लिए ट्रिक याद रखेंगे O से ऑक्सीजन। उसके बाद अगला एलिमेंट है फ्लोरीन, फ्लोरीन का सिंबल है एटॉमिक नंबर 9। इसके लिए याद रखना फ से फ्लोरीन। इस तरह से नेक्स्ट है नियोन, नियोन का सिंबल होता है NE, एटॉमिक नंबर 10। इसके लिए आप याद रखेंगे नी, 1 से 10 तक आप ऐसे याद रख सकते हैं, ही ली बे ब क न ओ फ नी। नेक्स्ट आपको देखते हैं एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 11 है, उस एलिमेंट का नाम आप देखें यहाँ सोडियम, तो सोडियम का सिंबल होता है Na, एटॉमिक नंबर होता है 11। और इसके लिए याद रखेंगे ना, ना से सोडियम, क्योंकि सोडियम का लैटिन नेम होता है नेट्रियम, नेट्रियम के लिए आपका सिंबल है Na, इसके लिए ट्रिक लिखे ना। उसके बाद आप देखें मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम है इसका सिंबल होता है Mg, एटॉमिक नंबर 12। इसलिए याद रखेंगे इसका मग से मैग्नीशियम। इसके बाद आपको है एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम जो आपका एलिमेंट है इसका सिंबल होता है Al, एटॉमिक नंबर 13। इसको अल से एल्यूमिनियम। उसके बाद लिखे हम लोग सिलिकॉन, तो सिलिकॉन का सिंबल होता है SI, एटॉमिक नंबर इसका होता है 14। इसके लिए याद रखेंगे C। नेक्स्ट आपको अगला एलिमेंट जो है वो फास्फोरस, तो फास्फोरस जो है इसका सिंबल होता है P, एटॉमिक नंबर 15। इसके लिए याद रखें P। नेक्स्ट एलिमेंट हम लोग का है सल्फर, सल्फर सिंबल होता है S, एटॉमिक नंबर इसका 16। इसके लिए याद रखे से सल्फर। नेक्स्ट एलिमेंट हम लोग का है क्लोरीन, जिसका सिंबल होता है Cl, एटॉमिक नंबर 17। इसके लिए याद रखेंगे कल से क्लोरीन। अगला एलिमेंट हम लोग का है आर्गन, आर्गन का सिंबल Ar, एटॉमिक नंबर 18। इसको याद रखेंगे अर से आर्गन। नेक्स्ट हम लोग का है पोटासियम, पोटासियम जो एलिमेंट है इसका सिंबल होता है K, एटॉमिक नंबर 19। इसके लिए याद रखिए K से पोटासियम, क्योंकि इसका लैटिन नेम होता है कैलियम। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कैल्शियम, इसका सिंबल होता है Ca, एटॉमिक नंबर होता है इसका 20। और इसके लिए याद रखेंगे का, दैट मीन्स अगर हम 11 से 20 तक के एलिमेंट को देखें तो इस तरह से याद रखेंगे ना मग अल सी पी सर कल हर के का।
अगर आप एक साथ सभी को बोलें तो देख सकते हैं इस तरह से हा ही री वे बक ना ओ फनी ना मग अल सी पी स कल अर के का। ये जो है आपको बहुत ही सिंपल वे में यहाँ बताया गया ट्रिक है जो कि थोड़ा अटपटा है लेकिन आप आसानी से इसको याद रख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को दूसरे दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।